नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे उन शेयर के बारे में जो कि अभी काफी ज्यादा तेजी जिसमें देखने मिला है। आप इसमें चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए आप पोजिशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला है यस बैंक। यस बैंक काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पसंदीदा शेयर हैं, क्योंकि जो छोटे शेयर होते हैं जैसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ वाले, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी बाय कर सकते हैं। तो ये आज ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने मिला है, इससे इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा और भी रिटेल इन्वेस्टर का बढ़ गया होगा। तो दोस्तों, इसके तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इस स्टॉक को शामिल किया गया है। और दूसरी वजह जो है तेजी के पीछे कि जो लगातार जो है बैंकिंग का जो फंक्शन है, मतलब बैंकिंग काफ़ी डेप्ट में था, कंपनी काफ़ी मतलब बुरे हालात में थी, तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है इस बैंक में, जिसके कारण जो है आपको तेज़ी देखने मिला है। SBI इसके प्रमोटर्स हैं तो ये भी कॉन्फिडेंस देता है। और जैसे जैसे इसके सारे चीज़ें ठीक होती जाएगी, जो भी प्रॉब्लम था वैसे वैसे आपको शेयर के प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वही रिफ्लेक्शन जो है बैंकिंग सेक्टर में, जो यस बैंक में जो कामकाज में सुधार देखने मिला है, जो भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट था, तो वो NPA था, उनमें सुधार देखने मिला है, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने मिला है। तो ये मुख्य वजह है इसके पास। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 रुपीज़ 60 पैसा, ये इसका यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनता है। अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर आप इसमें 20 रुपीज़ से ऊपर तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर ये 25 रुपीज़ से ऊपर जाता है तो और ज़्यादा आपको इसमें तेज़ी देखने मिलेगा। तो इन इम्पॉर्टेंट लेवल्स को आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो है ट्रीडेंट, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है। ट्रीडेंट भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ये शेयर आपको मैं तब से बता रहा हूँ जब ये 3 रुपीज़ का शेयर था, और वहाँ से देखते हैं ये 3 से 4 गुना रिटर्न जो है इन्वेस्टर को दे चुका है। तो ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है, लेकिन याद रहे कि ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जब गिरावट मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करना है आपको। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, मैक्सिमम चार्ट देखिएगा, चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है। तो ये स्टॉक जो है आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जब करेक्शन होगा, इसमें कोई गिरावट होगा तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो अभी ये स्टॉक भी फिलहाल आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जैसे मार्केट में करेक्शन आया था, देख सकते हैं ये स्टॉक 13 रुपीज़ 70 पैसा पर मिला था, वहां से आपको 50 पैसे का तेजी देखने मिला है। उसके बाद दूसरा है डेन नेटवर्क। ये स्टॉक अभी काफी सस्ते प्राइस पर OFS में मिल रहा है, आप ऑफर फोर सेल में अप्लाई कर सकते हैं या मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि 48 रुपीज़ इसका ऑफर फोर सेल प्राइस है और लगभग उसी के आसपास ये शेयर आ चुका है। इसमें जो प्रमोटर का स्टेक था वो 75% से ज़्यादा था, जो स्टेक सेल कर रहा है रिलायंस के प्रमोटर्स हैं। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें सेल किया जा रहा है OFS के तहत, क्योंकि 75% से अधिक है। तो सेबी का नया गाइडलाइन है 75% से अधिक कोई भी प्रमोटर कंपनी में स्टेक नहीं रख सकता है। तो इसके कारण इस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट देखने मिला, तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है, तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला शेयर है नवीन फ्लोरिन, ये जो है काफ़ी पसंदीदा शेयर है हमारा, नवीन फ्लोरिन, एल्काइल एवेंस, SRF, अतुल लिमिटेड, ये सारे स्टॉक आपको मैंने बताया भी था, इन्फोसिस। तो इसी में नवीन फ्लोरिन आज देख सकते हैं 11% का तेजी देखने मिला है। ये स्टॉक मैंने कुछ ही पहले दिन आपको बताया भी था कि जब भी गिरावट में मिले बाय ऑन डिप्स कीजिए, ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इस स्टॉक में आप थोड़ा सा आप करेक्शन का वेट करें, कभी करेक्शन में मिलता है तो आप फिर से इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अल्काइल एमिन्स, ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, बार बार बाय ऑन डिप्स का ये मौका देता है कंपनी, जब भी मतलब गिरावट मिले आप इसमें बाय ऑन डिप्स कीजिए, और हायर लेवल पे जाए तो आप सेल कर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस बना के रखिए, जो वीकली चार्ट है उस पर 20 SMA जो है आपका होगा। अगर आप बोलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बोलिंजर बैंड पे जब भी नीचे की ओर बोलिंजर बैंड मुड़ता है वीकली चार्ट पे, आप वहां से एग्जिट ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए और जो शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। शॉर्ट टर्म में आपको जैसे बाय ऑन डिप्स करना है तो स्टॉप लॉस अपना लगा के रखिए, और हाई लेवल पे जैसे जाता है बेच दीजिए। जैसे यहाँ से आप देखें 5% और 5% ऊपर जाता है 10% आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अपने इमोशन के अनुसार आप 15% 20% के
लिए भी वेट कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन स्टॉक है ये, स्टॉक काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है एशियन पेंट, एल्काइल एमिन्स, नवीन फ्लोरीन। उसी में अगला है हमारा टाटा स्टील, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, आज तेजी देख सकते हैं 5% का था, तो ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है। अब 800 प्लस अगर ये 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको और ज्यादा तेजी इसमें देखने मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक काफी सॉलिड है, यहाँ पर देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। अगर देखिएगा तो ये स्टॉक काफी ज्यादा साइकिल प्रोसेस में चलने वाला है, तो ये देखिए अभी आप साइकिल में है, तो स्टॉक एक नया हाई यहाँ पर अचीव कर सकता है। अगर मैक्सिमम की चार्ट की बात करें तो इसका देख सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस इसका आगे आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है चार्ट पे 840 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। 840 को क्रॉस करता है तो वहां से फिर एक और जबरदस्त मोमेंटम अपसाइड आपको देखने मिलेगा इस स्टॉक में। अगला है हमारा इंफोसिस, काफी बेहतरीन आईटी स्टॉक्स, काफी अच्छा मतलब डिविडेंड भी देता है, काफी अच्छा बोनस शेयर देता है, काफी अच्छा ग्रोथ भी इसमें देखने मिला है, और ये स्टॉक 500 के आसपास था उस समय से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक 500 तक गिरा था एक दो दिन के लिए, और यहाँ पर यहाँ से जो जर्नी ये तय किया है लगभग 150% तक का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। मैक्सिमम में बात कीजिएगा तो और ज़्यादा सॉलिड रिटर्न दिया है, देखिए 99 से अभी तक में 7000% का रिटर्न, साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है कंपनी का, अभी देखिए 1.55% का डिविडेंड यील्ड है। तो इन्फोसिस में आपको क्या करना है, जब भी मिले बाय ऑन डिप्स करना है, हर गिरावट में बाय, देखिए जब जब इस स्टॉक में गिरावट हुआ है वहाँ से और ज़्यादा तेजी आपको आगे देखने मिला है। यहाँ 5 ईयर्स में भी देखिएगा यहाँ से स्टॉक में गिरावट आया था, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, फिर स्टॉक एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाया, फिर गिरावट आया, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, तो जब जब गिरावट में मिला है स्टॉक तब तब आप इसमें बाय कर सकते हैं, काफी जबरदस्त स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन है। अगला है हमारा ब्लैक रॉक इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, और अगर बात करें तो इसका देखिए 1 मंथ में रिटर्न काफ़ी सॉलिड है, 1 मंथ में भी इसका रिटर्न देखिएगा तो 30% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है, तो आप इसमें भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी स्टॉक जब भी गिरावट में मिले तो बाय कर सकते हैं, अभी इसका जो मतलब लेवल होगा 150 के आसपास, देखिए 150 इसका यहाँ पर 150 पे मिले तो कभी मत छोड़ना है, यहाँ देखिए 150 और 160 के बीच ये लगातार ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट एक तरह से दे चुका है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो आप इसमें और बने रह सकते हैं, मतलब पोजीशन बना सकते हैं जो पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगातार मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि गिरावट भी उतनी ही हो सकती है जितनी तेजी से स्टॉक ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगला है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, इस स्टॉक में भी काफी बेहतरीन तेजी देखने मिला है, आज देखिए 20% का सर्किट इस स्टॉक में लगा है, यहाँ देखते हैं 20% लास्ट आवर में ये सर्किट को हिट किया है, तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है, और ये भी स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, आप इसमें भी चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। 1 ईयर में चार्ट देखिएगा लगातार सॉलिड स्टॉक है, लगातार जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में रहा है, तो इस स्टॉक भी अपना ब्रेकआउट एक तरह से दे चुका है, तो यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन अपना बना सकते हैं, लेकिन मार्केट पर ध्यान दें, मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इस स्टॉक में भी गिरावट आएगा, जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है उतना तेजी से वो उसमें गिरावट भी हो सकता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस में ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, 11% की आज तेजी है, 130 रुपीज इसमें तेजी देखने मिला है, और काफी बेहतरीन स्टॉक है, अगर यहाँ पर देख लीजिए अगर 1 ईयर में रिटर्न की बात करें तो 158% का रिटर्न है, जो कि काफी सॉलिड है, और मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम में कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन जो मार्च में गिरावट था वहां से स्टॉक 1B देखने 1B अपसाइड जा रहा है, तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, जब भी आपको गिरावट मिलता है तो बाय कर सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन सारे ये स्टॉक है जो कि अभी काफ़ी तेजी देखने मिला है, तो मार्केट में जैसे गिरावट अभी चल रहा है तो गिरावट में आपको बाय करना है, जैसे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँचता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी अभी आप अपना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।